हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्डीज टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं अगर नोटिफिकेशन बार को नीचे करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों, ये देखिए डाटा वार्निंग का यहाँ पे आता है, ये देखिए नोटिफिकेशन टाइप का, ठीक है। और ये देखिए एक परमानेंट नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये देखिए हटता नहीं है, ये देखिए ये एक तरह का परमानेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे आपका आ जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इस नोटिफिकेशन जो आता है मैं आपका, ये देखिए जो परमानेंट आपका नोटिफिकेशन आता है, इसको मैं आज मैं आपको हटा के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको ख़त्म करने के लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले सेटिंग में, ठीक है। तो ये देखिए मेरा सेटिंग यहाँ पे है, मैं सेटिंग में गया और सेटिंग में जाने के बाद आपको कनेक्शन में जाना है, ठीक है। कनेक्शन में जाने के बाद दोस्तों, जैसे आप कनेक्शन में यहाँ पर जाते हो, तो कनेक्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए मोबाइल नेटवर्क के नीचे में आपका जो सेकेंड ऑप्शन है, ये देखिए डाटा यूजेज का, ठीक है। तो इसमें आपको करना है क्लिक। आप जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं दोस्तों, ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया इस पर, और ये देखिए डाटा कंप्यूटिंग हो रहा है। और उसके नीचे आते हैं दोस्तों, तो ये देखिए सिम वन में दोस्तों यहाँ देखिए लिखा हुआ है मोबाइल डाटा यूजेस, उसके बाद नीचे यहाँ लिखा हुआ है बिलिंग साइकिल एंड डाटा वार्निंग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों करते हैं क्लिक, ठीक है, यहाँ पे करते हैं क्लिक। और ये तो थर्ड ऑप्शन है, ये देखिए डाटा वार्निंग का, यहाँ पर करते हैं क्लिक। और डाटा वार्निंग में यहाँ देखिए 2 GB है, ठीक है, ओनली 2 GB है। तो दोस्तों, आप इसको बढ़ा करके, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, 200 GB कर सकते हैं, 100 GB कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए मैंने 100 GB सेट कर दिया, ठीक है, और इसको सेट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, ये देखिए सेट डाटा वार्निंग, ये भी आप ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ख़त्म कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फिर से आ गया है, अगर आप इसको फिर से ऑन करेंगे दोस्तों, ऑफ़ करके फिर से ऑन करेंगे इसको, तो ये देखिए फिर से ये डाटा यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे परमानेंट वाला आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, आप सिंपली इसको यहाँ पे सेट डाटा वार्निंग है, इसको भी आप ख़त्म करके कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आपको डाटा वार्निंग रखना है तो इसको ऑन करके दोस्तों यहाँ पर आप मान लीजिए हमको 200 GB करना है, तो मैंने 200 GB सेट करके कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपका यहाँ पे अगर ये देखिए आपका कोई भी यहाँ पे कुछ भी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता है जो कि आपका परमानेंट हो, ठीक है। ये तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर का ये है नोटिफिकेशन है, बाकी आपको कोई भी यहाँ नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, ठीक है, इस तरह से। और इसको आप हटा भी अगर दोगे, ठीक है, तो भी आपका ख़त्म हो जाता है, फिर भी देखिए आपका कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से है, अगर आपका सिम 2 में अगर ये आपका डाटा ऑन रहता है, ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, बस आपको सिम 2 में यहाँ पे आना है और यहाँ पे भी आपको वही सेम प्रोसेस ही करना है, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पे ऑफ़ कर देना है, यानी तो अगर ऑन रखना है तो ये वाला 2 GB से बढ़ा करके आप 4 GB, 5 GB, 400 GB, जो कुछ भी करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल अभी ऑफ़ कर देता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है इसका परमानेंट नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे आपका हट जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही आपको आज जो है जानकारी देना था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल वर्ल्डीज टेक को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड वंदे मातरम। Like orange.